देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रूव डेट, इनको प्रूव करना है। इसके फर्स्ट नंबर से देखिए, फर्स्ट नंबर में देखिए क्या दिया है, 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री, 10 70 डिग्री इक्वल टू में 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम लोग LHSs कर लेते हैं। देखिए 10 20 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 55 डिग्री और यहाँ पर 10 70 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं, हम लोग इसमें जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनको एक साथ ले लेते हैं। जैसे 10 20 डिग्री और इनटू में 10 70 डिग्री को ले लेते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है तो लेते हैं 10 35 डिग्री और इनटू 10 55 डिग्री, और 10 45 को अलग से यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा है और इसका वैल्यू 1 होता भी है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, 10 20 इंटू में यहाँ पे 10, इसे लिख देते हैं 90 माइनस का 20, 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना जी। फिर यहाँ देखिए 10 35 इंटू में यहाँ 10, इसे लिख देते हैं 55 को 90 माइनस का 35 और इंटू 10 45 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लगा देते हैं 10 90 माइनस का थीटा जो कि होता है कॉट थीटा के इक्वल। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 20 डिग्री इंटू में कॉट 20 डिग्री, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 35 डिग्री और इंटू में कॉट 35 डिग्री इंटू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में कि 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू में 1, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और ये वाला 1 1 2 1, ये आ गया आपका RHS। RHS में 1 ही ना था जी, हमने प्रूव कर दिया।